अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक इन साधन इन्फ्यूजन 2.0। तो आज हम बना रहे हैं इंडियन हर्ब्स स्पाइसी क्रैकर्स। एकदम सिंपल सी रेसिपी है और एकदम टेस्टी एंड हेल्दी रेसिपी है ये। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को एटलीस्ट वंस। एक बार बनाओगे तो बार बार बनाते रहोगे इंशाल्लाह। तो चलिए देखते हैं अब इसका प्रोसीजर कि क्या क्या लेंगे हम इंग्रेडिएंट सब। तो सबसे पहले हम लेंगे बाजरा फ्लोर, यानी कि बाजरे का आटा। देन ओट्स फ्लोर, घर में ही बनाई हूँ मैं, कौन से भी ब्रांड का ले सकते हो आप ओट्स। फ्लैक्सीड्स पाउडर, ये भी घर में ही बनाई हूँ। एंड आलमंड पाउडर, बादाम का पाउडर। यह है दरदरी कूटी, ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, सॉल्ट टू टेस्ट, बेकिंग पाउडर, हम इसमें बेकिंग सोडा नहीं यूज़ करेंगे, ओनली बेकिंग पाउडर। अब अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए सब हेल्दी इंग्रेडिएंट्स है इसमें। अब इसमें हम ऐड करेंगे चॉप्ड, फाइनली चॉप्ड होनी चाहिए, ओके। चॉप्ड कोरिएंडर, जिंजर, करी लीव्स, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक, सब फाइनली चॉप्ड। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑलिव ऑयल। आप इधर कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, बट सब हेल्दी है तो ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ मैं इधर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसको भी हम। देखिए बाइंडिंग अच्छे तरह से हो चुकी है। देखिए अब इसमें हम ऐड करेंगे, बाय पैचेस ऐड करेंगे हम वाटर, नॉर्मल वाटर है ये, ऐसे नहीं कि एक बार ही ऐड कर दो, ऐसे नहीं, थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे। अच्छे से अब मिक्स कर लेने के बाद देखिए, बस मिक्स करते रहिए आप, ऐसा मत सोचिए कि चिपचिपा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं, जस्ट अच्छे से मिक्स करते रहिए। मुझे थोड़ा मिर्ची और नमक कम लगा तो मैं ऐड करके मिक्स की हूँ फिर से। देखिए द बाइंडिंग कितनी अच्छी सी हुई है। एकदम सॉफ्ट भी नहीं है, हार्ड भी नहीं है डो, ओके। अब पार्चमेंट पेपर लेंगे हम, आप इसको डायरेक्टली रोल नहीं कर सकते, सो पार्चमेंट पेपर पे इजीली हो जाएगा। इस तरह से फोल्ड कर लीजिएगा पार्चमेंट पेपर को।
अब हम हाफ पोर्शन बॉल बना के सेंटर में प्लेस कर देंगे। इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू पी फ्लावर्स, मेरे पास बहुत से हैं, घर में ही है इसकी क्लाइंबर, देखिए इस तरह होता है ब्लू पी, तो मेरे पास बहुत सारे हैं। ये ड्राइड वन है, नॉट टू ड्राइड, ऐसे प्लेस कर रही हूँ मैं। ऑप्शनल है ये, ऐसा कुछ नहीं कि यूज़ करना ही है, ऑप्शनल है ये। बस अब हम इसको रोल कर देंगे, ना एकदम पतला ना एकदम मोटा, एकदम पतला भी कर दोगे तो फिर जब हम कट करेंगे तो वो ठीक से निकलेगा नहीं, एकदम मोटा भी करोगे तो अच्छे से बेक होगा नहीं। सो उसकी थिकनेस मीडियम होनी चाहिए। अच्छे से फैला लीजिए। देखिए इस तरह हो जाएगा ये। इसको मैं पलटा रही हूँ, पलटाने के बाद अगर आपका डो स्टिकी है तो फ्रीज़र में रख दीजिएगा एक 10 मिनट, उसके बाद आप इसको कुकी कटर से कट कर सकते हो। यह फ्लावर्स कितने अच्छे फैल चुके हैं। अब मैं इसको कट कर रही हूँ विद प्लास्टिक कुकी कटर। OTG को भी प्री हीट के लिए रखी हूँ मैं ऑन 180 डिग्री फॉर 10 मिनट्स। देखिए अच्छे से कट हो चुके हैं। अब इसको हल्के हाथों से हमें निकालना है। देखिए माशाल्लाह इस तरह। तो देखिए मैं सब निकाल चुकी हूँ, अब हम इसको बेक करेंगे ऑन 170 डिग्री फॉर 10 मिनट्स। आफ्टर 10 मिनट्स हमारे क्रैकर्स तैयार हो चुके हैं, बेक हो चुके हैं माशाल्लाह। अब इसको हम ठंडे के लिए रख देंगे थोड़ी देर के लिए, उसके बाद सर्व करेंगे। ठंडा होने के बाद ये क्रिस्पी होंगे। माशाल्लाह देखिए द कलर एकदम परफेक्ट बेक हो चुके हैं हमारे इंडियन हर्ब्स स्पाइसी क्रैकर्स। तो अब इसको हम तोड़ के दिखाते हैं कि कितने क्रिस्पी हैं ये। देखिए माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी को और कमेंट बॉक्स में बोलिएगा कि कैसे बने थे आपके इंडियन हर्ब स्पाइसी क्रैकर्स। तो इंशाल्लाह फिर मैं मिलती हूँ इन द नेक्स्ट रेसिपी इन सादमिल फ्यूजन 2.0 ऑन ट्यूसडे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।